अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके मलेर टाउन UC4 खुल्दाबाद में। यहां पर अवामी इत्तेहाद की जानिब से एक इलेक्शन कैंपेन की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ जो अवामी इत्तेहाद आज़ाद पैनल के उम्मीदवार हैं रज़ा खान साहब, जो कि इलाके के विजिट पर हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे अवामी इत्तेहाद के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? सर क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज इलेक्शन कैंपिंग आप लोग की चल रही है, ये इलाके के आप विजिट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बारिश बहुत ज्यादा थी, आपका प्रोग्राम तो बहुत बड़ा था, उसको शॉर्ट करना पड़ा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं आज न्यूज वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने सख्त बारिश में, इतने गंदगी में आप हमारे पास आए। मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ, जो ना आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आप इस हमारे यूसी के हवाले से आप आए, जिस रास्तों से आप आए, आपने सारे रास्ते देखे हैं, बल्कि जहां हम खड़े में यहाँ आज हमारा इलाके वालों ने एक कार्नल मीटिंग नहीं बल्कि जलसा रखा था। ये पोजीशन है कि जब के हमारे यहाँ पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, यूसी चेयरमैन उनके हैं, DMC के चेयरमैन उनके हैं और पोजीशन आपके सामने है। हमारा जमीयतुल इस्लाम का आज़ाद पैनल हमने बनाया है और हम इसी लिए इस अखाड़े में उतरे हैं कि इन लोगों को मुंह दें, क्यों जब 30 साल से ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं और ये पोजीशन आपके सामने है। कोई इलाके में किसी किस्म का काम नहीं हुआ है, जब इलेक्शन आते हैं तो ये किसी न किसी तरीके से लोगों को एक पाइप के ज़रिए, एक बोर के ज़रिए बेवकूफ़ बनाते हैं और हम लोगों से वोट मांगते हैं। जमियत उलमा इस्लाम ने, अवामी नेशनल पार्टी ने एक आज़ाद पैनल बनाए हैं, हम इस इलाके की खिदमत के लिए उतरे हैं और इन लोगों को हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि इलाके की खिदमत कैसे होती है। 30 साल से आप लोगों ने कोई खिदमत नहीं की, बल्कि जहां हम खड़े हुए ये सामने एक स्कूल है, जबकि ये इस इलाके की बच्चों के लिए, इस इलाके के लिए ये स्कूल बनाए, जबकि इस स्कूल पे भी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने ढाबा बोला हुआ है, किसी ने स्टे लिया हुआ है और कोई अब ये जाम खड़े हैं। यहाँ टोटल ही पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है। हमने देखा अभी जब हम आ रहे थे, काफी पानी जमा है मेन रोड के ऊपर, तो लोगों से बात हुई, हमारे लोगों का कहना है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो सब खड़े हो जाते हैं कि हम कराएंगे हम कराएंगे। पीपल्स पार्टी का भी काफी हद तक यहाँ पे ताउन रहा है आवाम से, लेकिन जो है ना इस वक्त कोई भी उनके पुरसाने हाल नहीं है, गाड़ियां डूब रही हैं, लोग स्लिप हो रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मसला है कि आप ये कह रहे हैं कि पीपल पार्टी का ताउन रहा है, यही अल्फाज है ना आपके? मतलब आप मुझे जहां हम खड़े यहाँ मुझे बताएं कि क्या पोजीशन है इस टाइम। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूँ, आपका बकौल कि उनका तावन रहा है, रोड पे लोग स्लिप, रोड पे एक पोजीशन आपने देखी कोई? सर मेरी बात हुई आवाम से, आवाम कुछ आवाम उनके हक में हिमायत रखते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काम कराया। ये आवाम आपके सामने खड़ी हुई ना, आप एक आवाम ये बैठे में कोई कह दे ना मुझे, आपके सामने आवाम भी खड़ी है, मैं भी खड़ा हूँ, पूरी दुनिया यहाँ बल्कि खड़ी हुई है, आपके सामने खड़ी हुई है, क्या काम हुआ? काम होता तो ये पोजीशन होती, ये अभी कुर्बानी हुई है, ठीक है, ये आप देख ले कुर्बानी का गंदे पड़ा हुआ है, ये कैसी इंतजामिया है आप ये देख रहे, ये देख ले बदबू, बल्कि यहाँ खड़े हैं बदबू आ रही है, पोजीशन आपने देखी है, इंतजामिया क्या है, कहाँ गई इंतजामिया? इंतजामिया अगर होती तो ये पोजीशन ना होता ना, आप रोड से आ रहे हैं, रोड से लेके यहाँ तक आप ये पोजीशन देख रहे हैं। इंशाल्लाह आज़ाद पैनल इसीलिए अखाड़े में उतरा है कि 20 साल से 30 साल से ये एम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इलाके में कोई या जाम खड़े हुए, यहाँ हमें पीने का पानी मैसर नहीं, बिजली की पोजीशन आपके सामने है, कोई लोड शेडिंग स्टेम हमारे यहाँ पूरे कराची में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हमारे इस यूसी खुल्दाबाद UC4 में है, ये लोग खड़े में अगर एक अल्फाज गलत हुआ तो ये खड़े में मेरे लोग, कोई इस पे नजरसानी नहीं की जा रही है,
कोई यूसी के हवाले से काम नहीं हो रहा है, कोई बिजली के हवाले से काम नहीं हो रहा है, कोई पानी के हवाले से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पोजिशन इस टाइम है, जब आप सीट पे थे ठीक है, आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, आज आप सीट पे नहीं है, आप लोगों के काम करवा रहे हैं, किसी को बोर करवा के दे रहे हैं, किसी को आप 2, 4, 6 पाइपलाइन डलवा के दे रहे हैं, बल्कि मैं आपको आगे चलते जाएं, मैं आपको इनके काम के हवाले से बताऊंगा। इलेक्शन में ऐसा कभी नहीं होता है कि इलेक्शन के दरमियान काम नहीं किया जाता है, ये आवाम को एक बेवकूफ़ बनाते हैं, और हम तो गरीब लोग हैं, बल्कि यहाँ के लोग इतने होनी है कि मतलब उस चीज़ को नहीं सक, और हम पे कोई एहसान कोई भी नहीं कर रहा है। अगर कोई ये काम कर रहा है तो हम पे कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फंड है, ठीक है, ये हमारा हक है, जो इन्होंने पीरियड गुजारा है वो पीरियड देख ले, उस पीरियड में क्या काम हुआ है, ये सारी पोजीशन आपके सामने है, ठीक है, कोई किसी किस्म का हमारे यूसी में काम नहीं हुआ है, ठीक है। सर अगर मैं बुनियादी मसाइल पे बात करूँ, आवाम जो इस वक्त परेशान है, बिजली, गैस, पानी, इन तीन चीजों की वजह से परेशान है। हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह चले, बहुत अच्छी बात है अगर आपके इलाके में आ रही है कि अवामी इत्तेहाद से रजा खान अगर ये उम्मीदवार यहाँ के चेयरमैन अगर नामजद हो जाए तो वो आवाम को क्या ताउन, कितना आवाम के साथ ताउन करेंगे? हम हमारे साथ टोटल तकरीबन उलमा इकराम है, हम कोई गलत बयानी नहीं करेंगे, ठीक है, किसी किस्म की हम गलत बयानी नहीं करेंगे आवाम से, ना हम आवाम को गलत, जो हमारे यूसी का फंड आएगा, अगर हम इलेक्शन में इंशाल्लाह जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जो पोजीशन हम देख रहे हैं हम जीतेंगे अल्लाह के हुक्म से, जो हमारा फंड आएगा हम इन लोगों से शेयर करेंगे वो बातें, इन लोगों को बुलाएंगे, भाई ये यूसी का फंड है, और बताएंगे बाकायदा, इनकी तरह नहीं करेंगे हम कि हम अपने छप्पर में मतलब किसी को 2 पेप डाल के दे दिए, किसी को 3 पेप डाल के दे दिए, इंशाल्लाह हमने ये पैनल, यही एक मदरसा है, उस मदरसे के अंदर हमने ये पैनल बनाया, और हमने अल्लाह से भी वादा किया और अपने उलमा इकराम से ये वादा किया, इंशाल्लाह हमारा पैनल कामयाब हुआ तो हमारे यूसी में सिर्फ यूसी चेयरमैन नहीं बैठेगा, यूसी वाइस चेयरमैन नहीं बैठेगा, इलाका कमेटी ऑफिस भी वहाँ मौजूद होगी, और इलाका कमेटी ऑफिस ये फैसला कर, यूसी चेयरमैन के पास ये इख्तियार नहीं होंगे कि वो भंगी भी किसी के घर पर भेजे, इंशाल्लाह ये हम खिदमत करेंगे लोगों को, और इंशाल्लाह लोग खुद अपने मसले हल करेंगे, हम उनके साथ होंगे, जो फंड आएगा हम इनके मशवरे से वो फंड जो है इंशाल्लाह इलाके के मसले के लिए इंशाल्लाह। सर अभी आप इलाका विजिट, आपका नेक्स्ट विजिट कहाँ का है? सर अभी तो हमारे यहाँ किसी ने कार्नल मीटिंग दी है, हम वहाँ जा रहे थे, बस आपने टाइम दिया, शुक्रिया आपका बहुत, और इंशाल्लाह ताला हम इलाके के लिए इंशाल्लाह भरपूर हमारी ये कोशिश होगी, हम सीट जीते तो हर किस्म का मसला जो हमारे वश में होगा यूसी के फंड के मुताबिक हुआ, इंशाल्लाह मसला हम हल करेंगे, और अपने इन भाइयों को इंशाल्लाह भरपूर। ताकि आप इनकी गुफ्तगू को भी देख लेंगे, दीगर जो हजरात आते हैं उनकी गुफ्तगू में और इन हजरात की गुफ्तगू में कितनी शख्सियत और कितना खूबसूरती है, और इंसान की गुफ्तगू से इंसान का अंदर का हाल पता चलता है कि अंदर के इंसान क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जम होने वाले हमारे गोश गली के जितने भाई दोस्त बुज़ुर्ग हैं, सबसे पहले उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, इस बारिश में कीचड़ में आप लोग हमारे लिए जमा हुए, ये आप लोगों का बहुत बड़ा पन है, ये आप लोगों की शफकत है, आपकी मेहरबानी है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, हम अपनी यूसी का दुखड़ा जितना भी बयान करें, पूरी रात लगे रहें, ये ख़त्म नहीं होगा। हमारी जो तकलीफ़ें मुशक्क़तें हैं ये हमारे साथ ही हैं, जब से हम पैदा हुए तकरीबन 25 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ, हम मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, ये मसाइल हमारे ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि 30 साल से ये लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हुए बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आज इलेक्शन के दिन है, यानी इन दिनों के अंदर काम किया जा रहा है, कुछ टाइलें लगवाई जा रही हैं, किसी जगह जो है पानी की लाइनें बिछाई जा रही हैं। सवाल ये है कि ये 4 साल पहले कहाँ थे? 4 साल पहले इन दिनों के अलावा किसी ने काम किया यहाँ पे कोई? नहीं। ये 4 साल पहले कहाँ थे? ये गोश गली, ये 4 साल पहले जो है नहीं, बारिशों के अंदर कीचड़ में लोग आते रहे जाते रहे, ये टाइलें कभी भी नहीं लगी। आज जो आपके पानी की लाइनें बिछ रही हैं, ये लाइनें पहले नहीं बिछाई गई। इन दिनों में मेरे अजीज दोस्तों, गटर के ढकने के ऊपर हमें बेवकूफ़ न बनाया जाए, गटर के रिंग के ऊपर हमें बेवकूफ़ न बनाया जाए, किसी जगह थोड़ी बहुत टाइलें लगाकर सीवरेज लाइन की कुछ लाइनें जो है बिछाकर हमें बेवकूफ़ न बनाया जाए,
हम समझदार हैं, हमारी आवाम समझदार है, ये बात आप समझते हैं नहीं, हाथ बुलंद करके बताएं। मेरी इस बात की आप तायद करते हैं, हम इंशाल्लाह बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, हम थोड़ी बहुत टाइलों पे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, सीवरेज लाइन पे बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, पानी की कुछ लाइनों पे हम बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। हम अपनी यूसी का मुस्तकिल मसाइल का हल चाहते हैं, हम एक महीने के मसले का हल नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर हमारी यूसी के मसाइल हल किया जाए। आप लोग मेरी इस बात की तायद करते हैं, आप 24 जुलाई को केतली के निशान पर ठप्पा लगा कर ये साबित करें कि हम सबका लोगों को रिजेक्ट कर चुके हैं और हम अपनी यूसी के मसाइल का हल चाहते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी और नासिर। उम्मीदवार बनाए चेयरमैन रजा खान भाई से अर्ज करूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। सबसे पहले तो तमाम में जो मेरे साथी बहुत कम वक्त में जमा हुए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज तो हमने माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम रखा था गोबरी ग्राउंड में जलसे का, हमने बड़ा तफसीलन इन लोगों को समझाएंगे अपने यूसी के हवाले से, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था। बहरहाल मुख्तसर सी बातें मैं आपके साथ करूँगा यूसी के हवाले से। हमारे यूसी में देखो मसले मसाइल बहुत हैं, लेकिन इन लोगों को मुंह देने वाला दबंग बंदा कोई नहीं आया, कोई तगड़ा बंदा नहीं आया। 30 साल से ये हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने हमारे इलाके का कोई मसला तक हल नहीं किया। लोड शेडिंग हमारे यूसी में, पानी का मसला हमारे यूसी में, सेवरेज का मसला हमारे यूसी में, यहाँ से अक्सर सीटें इन्होंने ही जीती। हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मैं नाम लेता हूँ लेकिन मेरे साथी कहते नाम नहीं लगन, चलो नहीं लेंगे नाम, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ एक बोर के नाम पे हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बोर किसके घर के सामने होता है, जो उनका अपना ही जिम्मेदार होता है। आपने ये चीज देखी होगी कि इस गली में या इस गली से बाहर कहीं बोर हुआ है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जिम्मेदार के घर के आगे बोर हुआ है। उस बंदे का इतना ही जोर था कि उसके घर के आगे बोर हुआ और उसका चौधरी वो बंदा बन के बैठा हुआ है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कभी आपने देखा होगा कि यार इस मस्जिद में किसी ने बंदे ने आके और सरेआम ऐसा बोला कि यार इस मस्जिद में 50,000 रुपए दे रहा हूँ, 200 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं, बोला है किसी ने? नहीं। 200 बच्चे तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं, अल्लाह उनको पाल रहे हैं और यही उलमा इकराम उनको पाल रहे हैं ना। हम बातें तो बड़ी करते हैं यार, ये एक घर हमसे अपने अकेला पाला नहीं जाता है, उलमा इकराम ये 200-250 बच्चों की कफालत कर रहे हैं। कभी किसी बंदे ने, MPA ने, MNA ने, हमारे UC चेयरमैन ने मदरसे के साथ ताउन नहीं किया सरेआम। अगर उस मदरसे के साथ सरेआम तावन भी करे तो लोग बोलेंगे यार वाह क्या, तो यूसी चेयरमैन आए तो इसने मदरसे के साथ तावन किया है। लेकिन गौर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमसे मफादात है, मदरसे से क्या मिलेगा उनको, तो पराए बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, अल्लाह का मामला अल्लाह जाने और वो बच्चे जाने। हम लोग के तावन से मस्जिद मदरसा चलता है ना, लेकिन हम लोग हमारे जो जिम्मेदारान हैं कभी उन्होंने उस तरफ रुख भी नहीं किया होगा। जब से हमारे यूसी चेयरमैन जीते हैं आपके इलाके में कभी आए, ईमानदारी की बात कर रहे हैं, कभी आए आप? नहीं, 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 न किसी गमी में आए। यहाँ देखो इस गली में बहुत सी फौजियाँ हुई हैं, बहुत से मामला हुए हैं, लेकिन कभी नहीं आए। लेकिन आज हम लोगों के बीच में से एक बंदा उठता है यार कि आज उनके लिए वोट मांगता है, क्यों? इन लोगों ने क्या हमारे साथ, कौन सी अच्छाइयाँ की हमारे साथ कि हम इनको वोट देते हैं? सब उसी चैन की कड़ियाँ हैं। इन्होंने ये मशवरा किया है अगर एक हार गया तो दूसरा जीतेगा, और वाजे अल्फाजों में कहता है मैं जीता तो मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी में दोबारा आके बैठूंगा। देखो जब यूसी उनकी होगी, DMC उनकी होगी, MPA उनका होगा, तो भाई मेरे ख्याल से मामला नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि बाप बेटे के खिलाफ कभी मुजाहरा करते हैं? नहीं करते हैं ना, मतलब नवासा बाप के दादा के खिलाफ कोई मुजाहरा नहीं करेगा, तो ये इनकी जदी पुश्ती एक सीट है, एक दूसरे के खिलाफ कभी मुजाहरा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि ये सारी चैन की कड़ियां एक है। लिहाजा बातें बहुत हैं लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको समझाया कि इनके बोल बचन में नहीं आ रहे। ये एक पानी की लेंड आज जल रही है,
ये गोश गली में जो टाइलें लगी हैं ये अल्लाह को हाजर नाजर जाए, कोई सही डली है, कोई आड़ी कोई टेढ़ी, क्यों जल्दबाजी का काम है भाई, गवर्नमेंट का माल है भाई, दबी रखो भाई। अगर किसी के जेब से ये पैसे जाए ना, ये महंगाई हमारे यहाँ क्यों बढ़ रही है, ये सारी टाइलें उल्टी सीधी लगी है, पानी की लेन सेवरेज की, पानी का लेन है किसी के घर में, पानी आ रहा है बगैर मोटर के साथ नहीं आ रहा है भाई, मैं भी इसी गली में आता हूँ आपके सामने, मतलब ये टाइलें लगी हैं, अब कोई यूसी चेयरमैन आएगा ये टाइलें उखेड़ेगा, अगर उसके सही कोई अल्लाह वाला बंदा हो तो पानी ला के दे देगा, नहीं तो अल्लाह के हवाले आप लोग, ये काम कोई और नहीं करके देगा आपको, जो है ना। इन्होंने ये महंगाई इसीलिए बढ़ती है कि ये टाइलें उल्टी सी लगा भी, ये टाइलें उखड़ेंगी, कोई आप अपने घर के आगे थली बना लोगे, कोई मैं बना लूँ, कोई दूसरे बना लेंगे। अगर इस टाइलों के बजाय इस गली में अगर पानी आ जाता तो हमारे मसला कुछ तो हल हो जाता, ऐसा है कि नहीं है। ये टाइलें मेरे हिसाब से फजूल लगी है, इसके बजाय अगर हम एक मेन रोड से, ये मेन रोड के करीब है, अगर यहाँ से हमें इतने पैसों में ये पानी की लेन आ जाती हमारे यहाँ, आती नहीं आती, तो इतनी ज्यादती हमारे साथ हो रहे, और हम लोग फिर भी हम में से ही लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया, हम में से ही लोग हैं। खुदा के बंदों को ये लोग अगर तुम्हें बोले इनको वोट दो, बोलो भाई इन्होंने किया है क्या है, क्लियर, कोई दीद मीद नहीं करो भाई, हमारी भी दीद नहीं करो अगर हम आपके साथ गलत बात करें तो। बहरहाल मुख्तसर नमाज का टाइम हो रहा है, हमारे साथ ये उलमा इकराम है, बहरहाल भाई आज़ाद पैनल को कामयाब करना है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जो हम माहौल देख रहे हैं इंशाल्लाह हम सीट लेके जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, आप भाइयों के ताउन से, और ये हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, अगर हम सीट जीते खुदा की कसम यूसी का काम आपके मशवरे से बगैर नहीं होगा, हम कमेटी बनाएंगे इलाके की सतह पे, हर वार्ड की सतह पे हम कमेटी बनाएंगे, यूसी ऑफिस में हम बायकायदा उनके लिए एक अलग जगह मखसूस रखेंगे, एक रूम उनका होगा, इलाके वालों का एक रूम होगा, उस रूम में इलाके कमेटी वाले बैठेंगे और मशवरे से काम होगा, जो फंड आएगा सालाना हम आपसे शेयर करेंगे, जो बंदा मुतमैन नहीं होता है जहाँ से फंड आया वहाँ लेके जाएंगे, अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, ये फंड आया हो भाई इलाके के लोगों मशवरा करो कि ये फंड कहाँ लगाना है, कोई किसी के बोल बच्चे में नहीं आना, ठीक है भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसा अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि टाइल्स वगैरह सही नहीं लगे अपनी कॉन्टैक्ट मीटिंग में, ये जरा मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ में आने मेरे लाने का मकसद यहाँ पे आपको ये था, थोड़ा सा बेटा सेट पे हो जाओ आप थोड़ा सा, अब ये हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी का ये हाल है कि ये इस जगह का आप देख लें, ये पोजिशन आप देख लें, ये टेले जो यहाँ लगी है, अगर ये सही तरीके से लगी है गलत लगी है, बिल्कुल गलत लगी है, तो देखने में ऐसी लग रही है, चलने में तो बड़ी मुश्किल ऐसे है कि ये हमारे यहाँ सुवसन में महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब ये देखो ये करोड़ों रुपए जाया हुआ है, अगर इस गली में पानी नहीं आ रहा है किसी के घर पे, अगर स्टेलों के बजाय यहाँ ये पानी लग जाता है इस गली में तो गली वालों को थोड़ी सहूलत तो मिलती ना, लेकिन अफसोस इन लोगों पे होता है, अफसोस इन हुक्मरानों पे होता है कि ये पोजीशन आपके सामने, आप मीडिया वाले हैं जरा इस चीज़ों को हाईलाइट करें, देखिए आप लोग भी मतलब इनके दबाव में आते हैं, मुझे तो लग इस तरह रहा है कि आप लोग भी इनके दबाव में आते हैं, ये चीज़ें आप हाईलाइट देखें, ये हाईलाइट करनी चाहिए ना, ये आप पोजीशन देख लें, बेटा थोड़ा सेट पे जाओ थोड़ा सा, ये देख लें ये काम ऐसा होता है, सर दबाव की बात नहीं, माजरत के साथ ये मेरा पहला विजिट था आपके इलाके का, मैं माजरत के साथ देखो मैं तो यही समझूंगा, ये पोजीशन आपके सामने है ना, ये तो देखो मीडिया को ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए कि यार इस इलाके में हम जाके विजिट करें, ये काम अभी करंट हुआ है ना, बल्कि ये आपके सामने ये पोजीशन देख लें, थोड़ा इसकी मूवी बनाइए देख लें, ये काम हो रहा है ना, ये भी किसी ठेकेदार ने किया होगा, किसी ठेकेदार ने किया होगा और ये पोजीशन आपके सामने, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर काम होना चाहिए तो प्रॉपर तरीके से काम होए, प्रॉपर तरीके से काम होए, दूसरी बात है हमें काम पे लेकिन सही तरीके से ये काम होना चाहिए ना, सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम हो, पहले इस आवाम को पानी दिया जाए, फिर उसके बाद ये सेवरेज का निज़ाम सही किया जाए, फिर उसके बाद ये टेले लगाए जाए। आपको एतमाद रजा खान हमारे बहुत अच्छे चाचा भी हमारे, और माशाल्लाह से आप इलाके से पूछ सकते हो, और ये आज़ाद पैनल है, इंशाल्लाह तिंदी को वोट लगाएं
जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा अवामी इत्तेहाद आज़ाद पैनल के बराए चेयरमैन उम्मीदवार रज़ा ख़ान साहब जो कि इलाके विजिट में मौजूद थे और आवाम से उन्होंने बातचीत की। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद इस्माइल को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ आंच न्यूज़ कराची।